अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आपको एक प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ नेटवर्क पे कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस टाइम मेरे पास ये है, एचपी का प्रिंटर है, लेज़र जेट प्रिंटर है 3390। ठीक है, एचपी लेज़र जेट प्रिंटर है 3390। तो इसको हम करेंगे अपने पीसी में ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्रिंटर को जो है ना ऑन कर लेना है। ठीक है, प्रिंटर साइड पे बटन है इसका, जिससे आपने इसको सिंपल ऑन कर लेना। मेक श्योर कि आपकी जो है ये वायर यहाँ पे नेट की लगी हो और पावर सप्लाई से लगी होगी। तो नेट की जो है ना वायर, ईथरनेट के थ्रू हमने इसको कनेक्ट करना है, नेटवर्क पे लेके आना है। तो ईथरनेट जो है ना ये लाजमी प्रिंटर के साथ अटैच होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्रिंटर को ऐड कर लेना है, सॉरी ऑन कर लेना प्रिंटर को। तो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो है ना प्रिंटर को ऑन कर रहा है। ठीक है, सारी की सारी उसकी सेटिंग वगैरह चेक कर रहा है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक सेटिंग कर रहा है। तो इसके बाद जो है ना कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि हमने अपने पीसी पे करनी है। ठीक है, तो पीसी पे क्या काम करना है चलें वो अब देख लेते हैं, तब तक ये भी फुली ऑन हो जाएगा। लेकिन हम पीसी पे आ चुके हैं, तो पीसी पे आके हमने क्या करना है कि सर्च बार में जाना है और इधर लिखना है कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल लिख के आपने एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे कंट्रोल पैनल के अंदर डिवाइसेस एंड प्रिंटर का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पहले से कुछ डिवाइसेस आपके पीसी में होंगी, इनको आपने इग्नोर करना है। यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना यहाँ पे आपके ऑप्शन नज़र आएगा ऐड प्रिंटर। ठीक है, ऐड प्रिंटर पे आपने क्लिक करना है, देन आपने सिंपल उसको जो है ना मैनुअल आप ऐड कर रहे हैं तो आपने मैनुअल पे चले जाना है। ये देखें, ऐड अ लोकल प्रिंटर, ऐड अ लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर विद मैनुअल सेटिंग। ठीक है, तो आपने इसको चेक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको पोर्ट का पूछेगा, आपने कहना है कि क्रिएट न्यू पोर्ट, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। लोकल पोर्ट पे आके आपने TCP/IP पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, TCP/IP पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है और देन आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आपसे उसका वो आईपी पूछ लेगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपना आईपी कैसे चेक करना है और उसको कैसे आईपी देना है, इसका सिंपल मेथड होता है कि आपने सर्च बार में अगेन जाना है, वहाँ पे लिखना है CMD। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, जब ये आपका ओपन हो जाएगा तो आपने फिर क्या करना है, आपने इसमें लिखना है आईपी और कॉन्फ़िग। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग लिख के आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको आपका सारा आईपी और आपका गेटवे सब कुछ यहाँ पे ये शो करवा देता है। तो आप देखेंगे कि इसको जो है यहाँ पे ये आईपी मिला हुआ है, इथरनेट अडाप्टर इथरनेट 2 IP4 एड्रेस इसको मिला हुआ है 192.168.18.16। ठीक है, तो ये नेटवर्क हमारा 18 पे और ये 16 यूज़र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने प्रिंटर को भी इसी रेंज में आईपी देना है। तो हम क्या करेंगे कि 16 वहाँ पे उस प्रिंटर के ऊपर 16 के बजाय हम 255 तक कोई भी आईपी दे देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं जी अपने प्रिंटर पर और हमें अब पता चल गया कि 18.16 है, तो हम उस पर क्या करेंगे कि 18.17 चले दे देंगे। ठीक है, तो आ जाएँ अपने प्रिंटर के ऊपर। ले जी, प्रिंटर जो है ना वो चल चुका है, रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये बटन होगा मेन्यू वाला, ये हर प्रिंटर के अंदर ये ऑप्शन ज़रूर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि HP 3390 के अंदर ये ऑप्शन हों, ये नेटवर्क के जो है ना नेटवर्क सर्विसेज का ऑप्शन हर प्रिंटर के अंदर होता है। ठीक है, जिससे आप उसको नेटवर्क के ऊपर कन्फिगर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि सिंपल मेन्यू वाला जो है आप बटन दबाएंगे, तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करते जाना है। देखें, ये आ गया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाके आपने इसको ओके करना है और TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपने ओके कर देना है। मैनुअल के अंदर आप जाके, क्योंकि हम मैनुअल सेट करेंगे तो सिंपल हम इसको मैनुअली रहने देंगे और ओके।
तो ये देखेंगे इसके, इसको मैंने जो आईपी जो है 18.17 सेट कर दिया, तो मैं यहाँ से ये कंफर्म उसे कंफर्मेशन कर रहा है, तो मैं यहाँ से यस को ओके कर दूंगा, ठीक है। और ये इसका सबनेट मास्क शो करवा रहा है, ओके कर दिया, ठीक है। और ये इसका गेटवे शो करवा रहा है, तो इसको भी हम एक्सेप्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो है सेटिंग वो सेव हो चुकी हैं, इसका आईपी सेट हो चुका हुआ है। अभी इसके अलावा एक और सेटिंग जो है वो करने वाली कंप्यूटर के ऊपर है, तो चलिए कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं और इसकी सेटिंग करते हैं। नहीं, कंप्यूटर के ऊपर आते ही आपने विंडो की प्रेस करनी है और यहाँ पे आपने लिखना है कंट्रोल पैनल, ये सर्च करना है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप ये कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइसेस एंड प्रिंटर वाला ऑप्शन नज़र आएगा। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं आपको डिफरेंट डिवाइस नज़र आएंगे, लेकिन आपने यहाँ पे ऐड अ प्रिंटर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड अ प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो आप कहेंगे कि आप मैनुअल सेटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने ये देखें ज़रा, लिखा हुआ है कि ऐड अ लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर, ठीक है, विद मैनुअल सेटिंग। तो आप इसको चेक करके इधर से नेक्स्ट कर देंगे। इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी वो पोर्ट का पूछेगा कौन सी पोर्ट के साथ इसको कनेक्ट करना है, तो आप कहेंगे कि हमने न्यू पोर्ट बनानी है, किसके थ्रू न्यू पोर्ट बनानी है, हमने IPTCP, ठीक है, स्टैंडर्ड पोर्ट बनानी है, और इसके बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना। अभी वो हमसे IP पूछ रहा है, तो IP हम इसके अंदर ऐड करते हैं 192.168.18.17, जो कि आपका प्रिंटर का IP है, ठीक है, वो आपने इसके ऊपर ऐड करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कि ये देखें अभी आपको उसने डिवाइस डिस्कवर कर लिया, तो वो हमसे पूछ रहा है कि इसके ऊपर जो ड्राइवर है इंस्टॉल करने है, तो हम कह देंगे कि नेक्स्ट, और ये हमने हमें उस प्रिंटर का जो है नाम वो यहाँ पे शो हो चुका है, HP LaserJet 3390, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो अभी वो कह रहा है कि प्रिंटर टेस्ट पेज, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कमांड जो है वो प्रिंटर को सेंड करेगा, प्रिंटर एक टेस्ट पेज निकाल के हमें शो करवा देगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको प्रिंटर टेस्ट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे टेस्ट पेज के ऊपर क्लिक किया तो, और ये प्रिंटर जो है, तो जैसे ही टेस्ट पेज के ऊपर क्लिक किया तो उसने प्रिंटर को कमांड सेंड की, और तो उसने प्रिंटर को कमांड सेंड की और प्रिंटर ने हमें एक टेस्ट पेज निकाल के वो हमें दे देगा। ये आप चेक कर सकते हैं कि टेस्ट पेज निकल के बाहर आ चुका हुआ है, तो इसका टेस्ट पेज एक बार चेक कर लेते हैं कि ये टेस्ट पेज जो है ये किस तरह का निकला है। ये देखें जी, ये टेस्ट पेज इसका प्रिंट इसका बाहर आ चुका हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि इस नाम के PC से ये आया है, और ये इसका मतलब कि अपने प्रिंटर का भी उसने वर्जन बता दिया हुआ है कि HP LaserJet प्रिंटर। तो इस तरह से हम एक प्रिंटर को नेटवर्क के ऊपर ऐड करते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी जो वायर होती है वो मुझे वो वायर प्रिंटर वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर शेयर कर दिया है, अब मैं चाहूँ तो कहीं पे बैठ के भी अपने नेटवर्क के ऊपर होते हुए जिस नेटवर्क पे ये ऐड है मैं प्रिंटर से इसको प्रिंट निकाल सकता हूँ। मतलब कि मल्टी यूज़र्स के लिए ये प्रिंटर इस टाइम अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कि एक तरह कहें तो ये पूरा लैब जो है, ये पूरा लैब इस प्रिंटर से बगैर वायर के थ्रू प्रिंट निकाल सकता है, ठीक है। तो एक प्रिंटर को नेटवर्क पे ऐड करने का ये फ़ायदा होता है। तो ये थी आज की वीडियो, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।